हाँ, मेरा फर्स्ट डे था आज, और एशिया टेलीकॉम में फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में आज मैं रिबॉलिंग सीखा। रिबॉलिंग फर्स्ट डे में पूरा क्लियर कर दिया, और 1 घंटे में 5 बार करा मैं रिबॉलिंग। तो दिन भर से आप रिबॉलिंग ही कर रहे हैं क्या? नहीं, देव के देव देव रत्न सर के साथ, देव के रत्न के साथ, सर के साथ मैं क्लास कंपोनेंट 1 की क्लास सीखा। और क्या 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 समझिए आप इसमें? पूरा रजिस्टर में, पूरा रजिस्टर, कैपेसिटर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर वो सीखे पूरा। तो जो आज का कॉन्सेप्ट था क्लियर है आपका? क्लियर है सर आज का। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है लाइन में, तो ये आज क्या किए हैं, आज क्या कॉन्सेप्ट था, तो ये बताने वाले हैं। जी बोलिए। सुबह की क्लास मैंने 5 बार रूल किया और अच्छी तरह से हुआ, और दीप सर के साथ आज मेरी पहली कंपोनेंट की क्लास थी। जी, थैंक यू देव सर। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। और उसका सारा प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, लाइव अभी प्रैक्टिकल किया? अभी प्रैक्टिकल किया। थर्मिस्टर ढूंढ रहा हो तो कितनी देर में ढूंढ लोगे? 5 मिनट में। सारे बोर्ड के, अगर कैपेसिटर बोलूं कि पूरे सीपीयू के पास के पावर के पास के 10 मिनट में चेक करके बता दो तो कर सकते हो आप? यस सर, कर सकते हैं। किसी भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। थर्मिस्टर ढूंढ के निकाल सकते हो? यस सर। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी कि बिना डायग्राम? नो सर, नो। बिना डायग्राम? बिना डायग्राम। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? पृथ्वी। जी पृथ्वी, मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई आपकी? आज सीपीयू रिबॉलिंग 5 बार एमएमसी रिबॉलिंग। हां, एमएमसी रिबॉलिंग। जी, और फिर 5 बार सुबह में करके पैक कर दिए मोबाइल रिबॉलिंग। जी जी, और कंपोनेंट 1 की क्लास देव सर के साथ हुई। तो समझ में आया आपको? हाँ, समझ में। क्या क्या पढ़ाया आज सर ने आपको? कैपेसिटर, रजिस्टर, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर। तो ये सारा चीज आप ढूंढ पाएंगे? हाँ, ढूंढ तो पाएंगे। प्रैक्टिकल भी बताया आपको कि कैसे ट्रेस करना है? प्रैक्टिस ली ना सर ने। जी जी हाँ, ठीक है। वो शॉर्ट होगा तो क्या रीडिंग आएगी उसकी? हाँ, सब सब है ना, लीकेज है तो क्या होगा उसका? हाँ, सब सब। थर्मिस्टर कितने टाइम पे ढूंढ पाएंगे आप? 10 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट में ढूंढ पाएंगे? तो ऐसा कोई डायग्राम उठा के ढूंढेंगे आपको? नहीं नहीं, बिना डायग्राम। बिगर डायग्राम? हाँ, बिगर। विदाउट डायग्राम ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा सिखाए। जी जी, मतलब आज का जो कॉन्सेप्ट था क्लियर है आपका? हाँ क्लियर, पूरा क्लियर। थैंक यू। साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप भोसले। संदीप जी, क्या क्लास हुई आपकी आज? आज पहला दिन था मेरा, मैंने पहले कभी रिपेयरिंग की नहीं है। आज मैंने एमएमसी 5 बार रिवॉल्व कर दी अभी, ओके तरीके से। और दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी, उन्होंने फिर कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, और बाकी थर्मिस्टर कैसे ढूंढना बोर्ड पे और रीडिंग कैसे चेक करना उन्होंने बहुत अच्छा समझाया मुझे। समझ आ गया पूरा अच्छे तरीके से। थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश सनोडिया है। आज मेरी फर्स्ट डे की क्लास थी, जिसमें फर्स्ट डे में मैंने 5 टाइम आज रिबॉलिंग का काम किया, वो भी बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ में, और साथ में ही देव सर के साथ में कंपोनेंट्स की, रजिस्टर की फर्स्ट डे की क्लास थी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हमें ट्रेसिंग का बताया, वो भी बिना डायग्राम, बिना सिग्मेटिक के। तो उसमें हमें थर्मिस्टर के बारे में भी जानकारी मिली, जो बहुत ही अच्छी तरीके से हम मात्र 5 मिनट में पूरी बोर्ड के अंदर में थर्मिस्टर ढूंढ के ट्रेस कर सकते हैं। तो ये कोई, ये जो नॉलेज दिया जा रहा है आपको, तो ये कोई यूट्यूब वाला नॉलेज है क्या? नो सर, ये बिल्कुल एकदम स्किल है सर ये। जी, ये चीज़ यूट्यूब में भी ढूंढते तो मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता सर, इसके लिए थैंक्स फॉर एशिया टेलीकॉम, थैंक्स फॉर दीप सर। तो जो आज का कॉन्सेप्ट था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू। और स्टूडेंट है जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है साई गोसाई, मैं हूँ रत्नागिरी से। साई जी, मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई है आपकी और कौन से दिन की क्लास है आपकी? आज फर्स्ट डे की क्लास है मेरी, फर्स्ट डे की क्लास है एशिया टेलीकॉम में। हाँ, कैसा गया? अच्छा गया एकदम, मैंने आज एकदम फर्स्ट टाइम एमएमसी करी, रिबॉलिंग की। रिबॉलिंग की सुबह के टाइम? सुबह के टाइम, बहुत अच्छी गई। और फिर आपकी देव सर के साथ क्लास कंपोनेंट 1 की अच्छी थी? अच्छी थी। क्या क्या बताया गया उसमें? रजिस्टेंस बताया गया,
रजिस्टर, कैपेसिटर, वो सीरीज लगाया है, पैरेलल लगाया है, रजिस्टर क्या वैल्यू आना चाहिए, क्या मतलब वो शॉर्ट है या तो ख़राब है, ये सब है ना, पूरी रीडिंग बताई गई है आपको, और थर्मिस्टर ढूंढना भी बताया गया कि भाई थर्मिस्टर कहाँ पे लगा, मतलब विदाउट डायग्राम या फिर डायग्राम? विदाउट डायग्राम। विदाउट डायग्राम आप ढूंढ पाएंगे? यस सर। कितने मिनट में ढूंढ? पाँच मिनट में। तो जो आज का जो आपका कॉन्सेप्ट था डे वन का, क्लियर है आपका? क्लियर है, बढ़िया तरीके से। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है इनका, हम पूछना चाहेंगे कि जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सनगर है। अजय जी कहाँ से हैं आप? मैं रत्नागिरी से हूँ। रत्नागिरी से मतलब टेलीकॉम का आज पहला दिन है। पहला दिन है आज। पहले दिन में मुझे, मैंने सुबह आकर पांच बार एमएमसी बॉलिंग की है, और सुबह जो सर का क्लास हुआ उसमें कंपोनेंट को कैसे चेक करना है, कैसे पहचानना है ये सिखाया, और थर्मिस्टर को भी कैसे पहचानना ये सिखाया, और विदाउट डायग्राम के साथ सिखाया। सीरीज है, पैरेलल है, सारा चीज़ बताया गया। मुझे ये चीज़ बताइए कि भाई ये जो आपने आज पहली क्लास में लिए, क्या ये चीज़ सारा यूट्यूब में मिल सकता है क्या? नहीं 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 मिल सकता। यूट्यूब में इतना कंटेंट है क्या? नहीं। तो जो आपको अभी इतना नॉलेज मिला है, क्या आप इससे पहले इतना सब समझते थे क्या? नहीं समझते। थर्मिस्टर को पहचाना तो नहीं आता था। थर्मिस्टर को पहचानना भी नहीं आता था आपको? उसके लिए डायग्राम उठाते थे? डायग्राम उठाते थे। अभी आप विदाउट डायग्राम उठा पाएंगे? विदाउट डायग्राम सब थर्मिस्टर बता पाऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। और एशिया टेलीकॉम का और देवसर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। रितेश जी आज क्या क्लास हुई आपकी और कितने दिन हो गए आपको एशिया टेलीकॉम में? आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है? यस। क्या किए हैं आपने फर्स्ट डे में? एमएमसी रिबॉलिंग कराना सीखा, देव सर के साथ कंपोनेंट का क्लास था, इसमें मैंने रजिस्टर सीखा, कैपेसिटर सीखा, और थर्मिस्टर ढूंढना सीखे आप, वो सेमेटिक डायग्राम के थर्मिस्टर मैं ढूंढ सकता हूँ जी। पहले ट्रेसिंग भी तो जो यहाँ पे जो थ्योरी ली है आपने देव सर की, ठीक है, देव सर के साथ आपने जो थ्योरी लिए हैं उसी का आप प्रैक्टिकल भी किए? यस। ऐसा तो नहीं खाली थ्योरी थ्योरी दे देते हैं यहाँ पे और समझ में नहीं आया कुछ? बढ़िया से हुआ, पूरा समझ में भी आ गया। पूरा समझ में भी आ गया? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा रहा। तो बोलते हैं कि भाई जो एशिया टेलीकॉम पैसा वसूल कोर्स है, तो सच में है? हाँ सही है, पैसा वसूल कोर्स है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। शिव नारायण जी मुझे बताइए क्या क्लास हुई है आपकी? सर सुबह मैंने पाँच बार ही आईसी रोल की है, और सर ने कैपेसिटर और रजिस्टर वगैरह और कंपोनेंट वन की क्लास में आपको थर्मिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर ये सारा चीज़ बताया, उनकी टेस्टिंग क्या होती है। यस सर। है ना? यस। तो मुझे बताइए क्या इससे पहले आपको इतना सब नॉलेज था क्या? नहीं सर। पहले नहीं था? और अभी? अभी पूरा हो गया है। तो जो आपका जो थ्योरी हुआ है देव सर के साथ में? यस सर। तो उसी का आप प्रैक्टिकल भी किए हैं? यस सर। तो अभी आज का जो कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट का और रिवॉल्विंग में से कोई सा भी आपको डाउट है क्या? नहीं सर। पूरा डाउट क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शिव मौर्य है। शिव जी? शिव मौर्य जी। मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई है आपकी? जी मेरा आज सिर्फ रिबॉलिंग काम हुआ है जी, फर्स्ट टाइम था, जो पांच बार रिबॉलिंग किया, पांच बार सक्सेस किया अभी। पांच बार रिबॉलिंग किए तो परफेक्ट तरीके से किए या तुक्के में कर लिए? परफेक्ट तरीके से एकदम। तो जो यहाँ पे आपको जो सर बता रहे हैं, जो ट्रिक्स बताया जा रहा है, उसी ट्रिक से आप कर रहे हैं? जी उसी ट्रिक। तो सक्सेसफुल होता है जी? और हुआ भी? एक बार में हुआ। इसके बाद आपकी क्या क्लास हुई? कंपोनेंट क्लास हुआ। कंपोनेंट की क्लास किसके साथ हुई? देव सर के साथ। देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास, बताइए। और क्या पढ़े आपने? कंपोनेंट क्लास हुआ, थर्मिस्टर हुआ, और कैपेसिटर का हुआ पढ़ाई हुआ जी। थर्मिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर जी, बुसरीज, पैरलर ये सारा चीज़ आपको बताएं जी? पता है कि भाई मतलब कोई कैपेसिटर सीरीज लगा है या पैरलर लगा है, कोई रजिस्टर क्या? थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे आप? दो मिनट ढूंढ लूँगा सर। तो कोई डायग्राम देंगे आप जब भी ढूंढ पाएंगे? विदाउट डायग्राम ढूंढ पाएंगे? लोगों को तो भाई डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। आपको ऐसा क्या कोई घुटी पिला दी है क्या? ना सर, टेक्निक बताया गया। तो जो यहाँ की जो टेक्निक है वो कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, सारा चीज़ समझ में आता है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है जी आपका? हरिदास मेरा नाम है, हम उत्तर प्रदेश से है। हरिदास जी आज क्या क्लास हुई आपकी और कौन से दिन की क्लास है? आज एशिया टेलीकॉम में मेरा फर्स्ट डे है, जिसमें मेरा आईसी रिवॉल्विंग की क्लास थी, जिसमें से हम पांच बार आईसी रिवॉल्व किए और अच्छे तरीके से किए, और देव सर के साथ हमारा कंपोनेंट का क्लास था, उसमें कैपेसिटर, रजिस्टर,
थर्मिस्टर टेस्टिंग और उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद प्रैक्टिकल की और अच्छे तरीके से रजिस्टर कंपोनेंट जो रजिस्टर और कैपेसिटर लगा है पैरेलल में लगा है सीरीज में लगा है वो हम अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल भी किया? हाँ, उसका प्रैक्टिकल किए। इससे पहले आता था क्या आपको? इसके पहले हमको नहीं पता था कि रजिस्टर जो रजिस्टर लगा है सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है, इसके बारे में हमें नहीं पता था। कुल मिला के आपको मल्टीमीटर ही समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मल्टीमीटर नहीं समझ में आ रहा था जी। तो अभी आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस यस। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतिम है, मैं राजस्थान से हूँ। जी अंतिम? अंतिम राजस्थान से। अंतिम जी, मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई आपकी? मेरी रेजिस्टेंस कैपेसिटर की क्लास हुई है। रजिस्टर कैपेसिटर थर्मिस्टर और क्या क्लास हुई? रजिस्टर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, पैरेलल में लगता है, कैपेसिटर किसमें लगता है, सीरीज में लगता है। थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे आप? बिल्कुल ढूंढ लेंगे। कितने मिनट में? पाँच मिनट में ढूंढ पाएंगे। तो कोई डायग्राम से या विदाउट डायग्राम? विदाउट डायग्राम। मुझे बताइए क्या इससे पहले आपको इतना सब आता था क्या? नहीं नहीं आता था। और अभी? अभी आता है। तो जो आज का जो कॉन्सेप्ट हुआ है क्या इतना सब की यूट्यूब में मिल सकता है क्या? नहीं, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। नहीं सीखना, अगर इतना सब नॉलेज अगर आपको पहले रहता तो आप क्यों आते भैया? ना सही बात, क्योंकि यूट्यूब में सारा चीज़ नहीं बताया जाता है ना। मुझे बताइए जो कॉन्सेप्ट था आज का क्लियर है? क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। सूरज जी, आज आप कोल्हापुर से हैं, आए हैं इतनी दूर जबलपुर। हाँ। मुझे बताइए क्या सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? मैंने आज पहली बार आईसी निकाला, आईसी रिबॉलिंग किया, पांच बार किया। उसके बाद देव सर के साथ थ्योरी भी थी, उन्होंने उसमें कैपेसिटर रजिस्टर थर्मिस्टर बताया। वो थ्योरी के बाद उसने हमने खुद आके इधर प्रैक्टिकल भी किया, प्रैक्टिकल में उसकी वैल्यू निकालना, वो सीरीज में है पैरेलल में है, ये सब किया, ये सब किए। हाँ। तो मुझे बताइए कि आप बोल रहे हैं कि मैंने पांच बार आईसी रिबॉलिंग किया, तो खाली पांच बार कर सकते हैं या फिर और भी बार कर सकते हैं? अनगिनत बार कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो सर ने टेक्निक दी है और उसी ट्रिक से आप कर रहे हैं? हाँ, उसी ट्रिक से तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया से। तो जो आज का कॉन्सेप्ट हुआ आपका जो रजिस्टर मतलब कंपोनेंट वन की क्लास और रिबॉलिंग की है ना, डे वन का क्लास, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है पूरा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? जय राठौर, रतलाम से। जय, मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई आपकी? आज हमारी सुबह ईएमसी क्लास हुई, मैंने पांच बार। एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है, मैं यूपी से हूँ। सचिन जी, आप यूपी से हैं, मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई और आपका कौन सा दिन है एशिया टेलीकॉम में? आज मेरा पहला दिन है, आज मैंने एमएमसी की वॉल्यू करी पाँच से सात आठ बार और बढ़िया रिवॉल्यू हुई मेरी, सर की ट्रिक अच्छी काम आई और जिदेव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी जो भी मेरी, वो भी मेरी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई, सारे कंपोनेंट समझ में आ गए और टेस्टिंग भी, और मैं आराम से कंपोनेंट टेस्टिंग ढूंढ सकता हूँ बिना सर्किट डायग्राम के, बिगर डायग्राम के। तो मुझे बताइए क्या आपको इससे पहले इतना सब नॉलेज था क्या? नहीं, इतना नहीं था। इतना नॉलेज नहीं था? नहीं। तो यही नॉलेज आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो मिलेगा क्या? यूट्यूब में ज्ञान नहीं है, यूट्यूब जैसा नहीं मिले, यहाँ जैसा नहीं मिले। तो जो आपको अभी लाइव देख रहे हैं और वो भी अपने नॉलेज को गेन और बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी उनकी भी इच्छा है कि भाई हम भी सीखें किसी इंस्टीट्यूट में जाके, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई आप, आपका तो पहला दिन है और पहले दिन में इतना सब चीज़ मिल गया है आपको? मैं तो कहता हूँ कि एशिया टेलीकॉम में जाकर सीखें जी, बेस्ट और इससे बेस्ट कहीं नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी है, फ्रॉम हरियाणा से। जी हरियाणा से, अश्वनी। अश्विनी, मुझे बताइए क्या क्लास हुई आपकी? सो हमारी एमडी सर के साथ ईएमसी क्लास हुई थी, जिन्होंने उनको परफेक्ट तरीके से ईएमसी रिबोल करना सिखाया और हमने पांच बार ईएमसी रिबोल किया। उसके बाद खाली आपने पांच बार कर लिए बस उसी में किया, या फिर जो ट्रिक मिला है उससे आप कितनी बार कर सकते हैं? ट्रिक से सर कितनी बार करवा लो तब तो कर देंगे आप? जी सर, परफेक्ट तरीके से कर देंगे। जी जी, मेन चीज़ होता है ट्रिक, नॉलेज। अगर नॉलेज सही है आपके पास तो आप हज़ार बार कर सकते हैं, है ना? और फिर क्या क्लास हुई उसके बाद? फिर सर देव सर की क्लास थी, उसमें हमने कंपोनेंट के बारे में जाना कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस काम आता है और उनकी पहचान करवाई कि क्या टेस्टिंग होती है उनकी, क्या टेस्टिंग क्या होती, वर्किंग है, क्या, होती है, अगर पैरेलल में लगा तो क्या काम करेगा, अगर सीरीज में लगा तो क्या काम करेगा, उसके बारे में बताया। तो जो आज का जो कॉन्सेप्ट था जो कंपोनेंट वन का और रिबॉलिंग का, तो वो आपका क्लियर है? जी सर। ऐसा तो नहीं कोई डाउट लेके बैठे हैं? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है।
तो जो आपको यहाँ थ्योरी दिया जाता है उसी का प्रैक्टिकल भी करते हैं आप? जी सर, करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। बात एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण, अरुण जी मुझे बताइए क्या क्लास हुई है आपकी? आज सुबह एमएमसी वगैरह रिवॉल्विंग सिखाई गई थी। जी जी। और उसके बाद में देव सर ने कंपोनेंट्स के बारे में बताया, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, थर्मिस्टर क्या है। थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे आप? हाँ ढूंढ लेंगे। कितने मिनट में ढूंढ पाएंगे? दो चार मिनट में ही ढूंढ पाएंगे। तो कोई, मैं आपको, आपके सामने कोई डायग्राम रहेगा तो ढूंढेंगे या फिर ऐसे ही विदाउट डायग्राम? मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। तो जो यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है भाई? ठीक है, अच्छा। अच्छा है, समझ में आता है पूरा स्टेप बाई स्टेप? जी। तो जो यहाँ पे थ्योरी दिया जाता है उसी का प्रैक्टिकल भी करते हैं आप? जी जी। अपने हाथों से आपने प्रैक्टिकल भी किए? जी जी। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था क्लियर है? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। कि अगर आप इस इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और इंस्टीट्यूट में जाते हो तो ये आउटपुट उठा पाते क्या? ऐसा आउटपुट उठा पाते आप? नहीं सर, नहीं उठा पाते आप। अब दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा आपसे मैं कि अभी रिबॉलिंग किस किस का क्लियर है? मेरा सर, हम सबका। हम सबका सीपीयू किया हमने, 4G सीपीयू किया। आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे हैं? अब ये बताइए कि यहाँ पर एशिया टेलीकॉम को 28 तारीख को ज्वाइन करने के बाद जब आपसे पूछा गया तो माइक्रोस्कोप किस किस के पास थे, तो सिर्फ कितने लोगों के पास थे? दो लोगों के पास थे। इसके अलावा आपके पास माइक्रोस्कोप भी था क्या? माइक्रोस्कोप पे कभी काम किया था? अभी क्या पोजिशन है? अभी माइक्रोस्कोप हमने 10 मिनट में सेट किया है और हमारा चौथा दिन है। कल हमारा क्या था? चौथा दिन था। और तीसरे दिन क्या किया हमने? एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि तीसरे दिन पावर, तो पावर किस किसने लगाई? हम सबने लगाई। और एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है, एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू, सीपीयू किस किसने लगाया? आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप तीसरे चौथे दिन में आप सीपीयूएमसी पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली सीपीयू लगाए, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो सीपीयू का फैट जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट, वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको ईएमसी जिसमें UFI पढ़ाया जाए, और JTEC जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है, जो सीपीयू चेंजिंग सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास। 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना छूटने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000731192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।